आप सबको स्वागत है माफिया के YouTube चैनल पे। जैसे गाइस आपको पता होगा भाई इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ब्रीड बैन कर दी जिसमें एक पिटबुल भी है। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको दिखाता हूं कौन-कौन से ब्रीड बैन करी गई है इंडिया के अंदर। जैसे गाइस इस वेबसाइट के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, वहां से आकर चेक कर सकते हो। भाई ये 23 ब्रीड हैं जो डेंजरस डॉग की ब्रीड हैं जो कि इंडिया के अंदर बैन कर दी गई हैं। मैं आपको देखो लिस्ट दिखाता हूं नाम की, ये सब कुछ मैंने अच्छे से जानकारी दे रखी है क्या क्या नियम लागू आ चुके हैं इंडिया को इस ब्रीड को लेकर। और देखो भाई ये लिस्ट है जो कि ब्रीड की, और इसमें सबों के नाम लिखे हुए हैं जो जो ब्रीड बंद बैन कर देंगे। डॉज, अर्जेंटिनो, पिटबुल, रॉटवाइलर, बहुत सारी ब्रीड हैं इसमें देखो, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजर ब्रीड में से एक है। देखो भाई 23 ब्रीड्स हैं जो बैन हो चुकी है इंडिया में अब। और गाइस एक और चीज़ मुझे कमेंट था ना, ये चीज़ सही करिए गलत, मुझे यस एंड नो में आंसर देना। अगर ये चीज़ सही कर तो यस देना, अगर नहीं गलत तो नो मुझे कमेंट करना है इस जगह पर। तो ये वेबसाइट है और आई होप आपको समझ आए। सो गाइस ये ऑर्डर भाई केंद्र सरकार की तरफ से आया गया है। इस ऑर्डर के अंदर हम ना अपने डॉग की भाई किसी डॉग के साथ मीटिंग करा सकते हैं इस ब्रीड के साथ, ना ही क्लोज मीटिंग करा सकते हैं हम। और अगर ऐसा करते पाए गए तो भाई इस पर सख्त कार्रवाई होगी और आपको 6 महीने की जेल या फिर आपको एक मोटा अच्छा खासा फाइन आपके ऊपर हो सकता है। और जो भी भाई जो ये काम कर रहे थे ना भाई, जो ब्रीडिंग वगैरह काम कर रहे थे भाई, उनको जो लाइसेंस है वो देने से मना कर दिया गया है। आपको लाइसेंस भी नहीं मिलेगा अगर आप ब्रीड पालोगे या फिर कोई भी अगर मीटिंग वगैरह कराओगे तो डॉग की, तो उसको भाई सख्त मना कर दिया गया है। जैसे गाइस काफ़ी लोग सोच रहे हैं भाई हमारे पास ऑलरेडी एक डॉग है इस ब्रीड का, बैन कर दिया गया है इंडिया के अंदर, क्या उसे सरकार हमसे वापस ले लेगी या फिर हमें उसे कहीं छोड़ना पड़ेगा? ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको खाली इतना ही करना होगा। यू विल नीड टू न्यूट्योर योर डॉग, आफ्टर दिस यू कैन कीप योर डॉग विद यू। खाली आपको आप खाली बस आपको फिर आप अपना डॉग अपने पास रख सकते हैं। और हो सकता है कि भाई आगे चलकर कुछ कानून में बदलाव आए इस चीज़ को लेकर, और अभी तो फिलहाल इतना ही मुझे पता चली है। और गाइस आप ही क्या राय है इस चीज़ को लेकर? वैसे अगर मैं देखो मैं अपनी पर्सनल राय दूँ तो भाई देखो कुछ सही भी है कुछ गलत भी है। गलत ये है कि भाई देखो एक ही गलती की पनिशमेंट सभी को मिल रही है भाई, ये चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है। और गाइस ये डॉग भी काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, ऐसी बात नहीं कि हमेशा डेंजर रहते हो, ये भी काफ़ी फ्रेंडली रहते हैं। मैं अपने माफे की बात कर रहा हूँ, मेरा माफे बच्चों के संग खेलता जो कि बच्चे सिर्फ 6 महीने के, उनके साथ भी खेलता है और कभी भी आज तक जिंदगी में एक बार भी उनके ऊपर एग्रेसिव हुआ आज तक कभी भी नहीं हुआ। सब मारती हो रही माफे को, कान पकड़ लेती है, कान मरोड़ देती है, काफ़ी सारी हरकतें करती है, परंतु माफिया ने अब तक एक दांत लगाया, दांत लगाने बहुत दूर बात आता है, वो एग्रेसिव भी नहीं हुआ उसके ऊपर, वैसे निपे के ऊपर कितना सुप्रेशन करती है। और गाइस देखो आप ही कह रहे हैं मुझे कमेंट बताना ये चीज़ होनी चाहिए थी या नहीं। आगे चल कर देते हैं गाइस क्या क्या बदलाव आएंगे इस नियम को लेकर। और भाई काफ़ी सारे ऐसे मामले आए थे भाई इस ब्रीड के हमले के जो कि बहुत ही खतरनाक थे, और ये डॉग काफ़ी ज़्यादा जानलेवा भी हो सकते हैं अगर आपको सही ट्रेनिंग नहीं दी गई, अगर आप इस डॉग को ट्रेनिंग सही से ना दें, यहाँ तक अपने मालिक के लिए भी काफ़ी बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो अगर आप इस डॉग को पाल रहे तो प्लीज़ प्रॉपर टाइम दें और प्रॉपर ट्रेनिंग दें जिससे कि आपका डॉग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वफादार रहे और ऐसे मामले भाई बहुत ही कम हो इंडिया के अंदर, जो फिलहाल अभी मामले बढ़ते जा रहे हैं ये चीज़ के, तो अटैक्स के ये भाई जो डॉग के ओनर है ना वो लापरवाह होते हैं, उनकी वजह से हो रहा है ये सब कुछ। ना ही गाइस आप अपने इस ब्रीड के पप्पी सेल कर सकते हैं, ना ही इसकी मीटिंग करा सकते हैं, ना क्लोज मीटिंग करा सकते हैं, आप उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ ये बात। और गाइस ये काम दिल्ली के अंदर MCD को दिया जाएगा ये चीज़ का। गाइस मुझे आप लोगों की राय भी जाननी है तो मुझे कमेंट करना आप लोगों की क्या राय है, और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मैंने उस वेबसाइट की लिंक नीचे दे रखी है, उसमें अच्छे प्रॉपर तरीके से सब कुछ बता रखा है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हो। इधर हो माफे देखो जबरदस्ती यहाँ बैठ गया, चलने का बिल्कुल नाम नहीं, पापा चिप्स और चाय पी देना, ये देखो मम्मी यहाँ पर लेटी हुई हैं और माफिया देखो यहाँ पे, और चलने का नाम ले ही नहीं रहा देखो यहाँ से, चलो भाई चल तुमको सुना नहीं है बे है बे, देखो मम्मी को ना जगाना चक्कर में चल रहा है, मुझे पता है मम्मी सो रही ना उन्हें जगाना चाहता है, या फिर पापा चिप्स खाना चिप्स के चक्कर में बैठा हुआ है, ये ज़्यादातर चिप्स के चक्कर में बैठा हुआ है कि चिप्स मिल जाए जब जाऊँगा यहाँ से, ऐसे नहीं जाऊँगा बड़ा हरामी हो बेटा। ये देखो मम्मी को मत जगा दियो नहीं तो मुझे डांट सुनाएंगे तेरे चक्कर में, सुनने में क्या कह रहा हूँ गुस्सा क्या हो रहा है, ये देखो भाई देखो भाई समझदार है जगाएगा नहीं, जो ये चीज़ अच्छे से पता है, और जैसे भाई चिप्स मिली के तुरंत चल लगा ये क्या हुआ चल रहा है तेरे को, ये देखो अगर मैं जबरदस्ती करूँगा तो देखो क्या करेगा, जैसे मैं जबरदस्ती करूँगा इसे बिना मर्जी कर दिया और बिल्कुल जगह तो हिलेगा नहीं है, टच भी नहीं होगा, देखो आपको करके दिखाता है ये इधर यहाँ पर भारा भारा यहाँ इधर 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 आ जाओ इधर आ जाओ बुक्कड़ मोटू हाँ पता है चैन खुल दी इसकी, आ जाओ यहाँ आ जाओ यहाँ आ जाओ, पट्टा उतर जाएगा पर ये नहीं आएगा भाई साहब, हंसा हंसा रहा है लीट कहीं का, ये देखो बिल्कुल नहीं आएगा, अब ना कैसे आएगा अब देखना गाइस, एक और चीज़ होता था देखो गुस्सा वाला शुरू हो गया जबरदस्ती करो संग इसके संग, ये देखो अब भी नहीं आएगा चलने देखो अब आएगा, ये लिस्ट की ये अब आ जा अब आएगा पीछे पीछे, ये देखो आगे ना आगे मोटू बुक्कड़ हो रहा है, एक मट्ठी बिक गया, वैसे इतनी मेहनत करो आ नहीं रहा था चले खा।